प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों को मैं अभिवादन करता हूँ। जय जेसु। प्रियजनों, 42वां दिन है बाइबल तीर्थ यात्रा की। हम लोग निर्गमन के 33 और 34 में पहुंचे हैं और आज अय्यूब का पुस्तक हम समाप्त कर चुके हैं और मार्कुस के सुसमाचार के 14वां अध्याय तक हम लोग पहुंच रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले, मतलब व्याख्या देने के पहले, मैं प्रियजनों प्रभु यीशु के नाम पे फिर से सचेत करना चाहूंगा। शैतान जो हिंस्र पशु की तरह हम पर झबड़ने के लिए घात लगाकर बैठे हैं और मैं कई लोगों को फंसा रहे हैं, आलसीपन का दुष्टात्मा आगे बढ़ने से हमको रोक रहे हैं, बाइबल पढ़ने से उनको बहुत तकलीफ होती है और इसलिए हमको उससे रोक रहे हैं। आप में कई लोग उसमें फंसते जा रहे हैं और बाद में करेंगे, अभी समय नहीं है बोलकर रख रहे हैं। प्रियजनों, शायद हम में अनेक लोगों को इस तरह का और एक मौका, बाइबल पूरा पढ़ने का मौका इस जीवन काल में शायद हमको नहीं मिलेगा। प्रभु बड़े प्यार से हमको इस कदर तक लाए हैं, वो भी बहुत ही मुश्किल घड़ी पे। आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा सहारा होगा, बहुत बड़ी सहारा होगी ये वचन का पाठ, क्योंकि समय बहुत खराब है। आने वाले दिनों में और अधिक परेशानियां बढ़ती जा रही है। हम पहले जैसा समय की प्रतीक्षा अब शायद हम नहीं करते हैं। हमें तैयार रहनी चाहिए। इसलिए जो वचन आप पढ़ रहे हैं ये आपके लिए बहुत बड़ी मदद होगी, इसलिए पीछे नहीं हटना। हालेलुया। बड़े प्यार से फादर के द्वारा प्रभु आपको ये चेतावनी दे रहे हैं और आपको सचेत कर रहे हैं, आपको फिर से निमंत्रण दे रहे हैं वचन पढ़ना, व्याख्या सुनना, प्रार्थना करना। हालेलुया। सोने की बछड़े की आराधना करने की उस घटना के बाद प्रभु आदेश दिया आगे बढ़ने के लिए। प्रभु ने मूसा से कहा, यहां से प्रस्थान करो, तुम और ये लोग जिन्हें तुम मिस्र से निकाल लाए हो, उस देश की ओर प्रस्थान करो जिसे मैं तैयार कर रखा हूं। लेकिन मैं एक दूत को तुम्हारे आगे भेजूंगा, वो तुम्हारी मदद करते जाएंगे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम एक हठीली प्रजा हो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा विनाश करूं। भेजनो, प्रभु मनुष्य को समझने वाले इन लोगों की इनको समझने की एक भाषा में बात कर रहे हैं। मतलब क्यों प्रभु इस तरह बात करते हैं कि मामूली इंसान जो है, जो आध्यात्मिकता में बिल्कुल कुछ भी आगे नहीं बढ़े हैं और इनके इनके कदर तक झुक के प्रभु बात कर रहा है, इसलिए ऐसा शब्द है। मैं इसके लिए कहता हूं कि एक प्रोफेसर जो है कॉलेज में पढ़ाते हैं, उनको छोटे बच्चों को कुछ पढ़ाने के लिए अगर भेजा जाए तो वो छोटे बच्चों के हिसाब से वो अपने को छोटा बनाएंगे, मतलब उनकी भाषा सरल बनाएगा, इनको समझने की रीति में बोले। इसी तरह प्रभु क्यों इस तरह के शब्द बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, नहीं तो तुम सब मर जाओगे, ये सब उनको समझाने के लिए हैं, इनकी भाषा में बोल रहे हैं। मतलब क्या है, भले ही प्रभु बोलते हैं मैं नहीं आऊंगा, नहीं तो तुम मर जाओगे, ये सब उसके पीछे प्रभु का क्रोध नहीं है, बल्कि उसके पीछे उसका प्यार है। वो कितना चाहता है लोगों के साथ चले, लेकिन जब देखिए कोई हर्ट हो जाता है, कोई तकलीफ, कोई चोट लग जाता है दिल पे, तो बोलते हैं ना मैं नहीं आऊंगा, तुम लोग जाओ, मैं बाकी सब कुछ व्यवस्था करूंगा, तुम जाओ, लेकिन मैं नहीं आऊंगा। इस तरह है ना, इसके पीछे प्यार है। प्रियजनों, प्रभु हमारे अब्बा है, हमारे पिता की तरह है। वो जब धमकी वगैरह देते मैं मार डालूंगा, वो ऐसा नहीं है, वो अपने प्यार को प्रकट कर रहा है। हल्लेलुया। और इसमें अब आगे हम देखते हैं, जब लोगों ने ये दुख समाचार सुना तो वे शोक मनाने लगे, किसी ने भी आभूषण नहीं पहना। अभी आभूषण सब छोड़ दिया, ये आभूषण ने उनको भड़काया था, इसी से इन लोगों ने ये मूर्ति बनाया था, सोने का बछड़ा बनाया था, क्योंकि वो जो पहना था आभूषण वो सब था,
इसलिए प्रायश्चित के स्वरूप पछतावा करते हुए उन लोग फैसला लिया अभी आभूषण नहीं पहनेंगे। और व्याख्याकार बोलते हैं पवित्र ग्रंथ के उनमें, इन लोग जब तक कनान देश प्रभु के भेजे हुए, प्रभु के बनाए मतलब इनके लिए तैयार किए हुए देश, वायदा किए हुए देश तक नहीं पहुंचा तब तक ये नहीं पहना, आभूषण छोड़ दिया। वो एक प्रायश्चित की विधि है कि हम पुराने पापों में लौटेंगे नहीं, वापस नहीं जाएंगे, और हम पछतावा करते उन पापों के लिए, हम पछतावा करते अपने पाप स्वीकार करने की एक विधि के रूप में इस बात को हमें मानना है। इस अध्याय में और दो सुंदर सी प्रार्थना हम सभी लोगों को सीखना है, बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है। पहली प्रार्थना मूसा की प्रार्थना है, दोनों अध्याय 33:15 मूसा ने कहा, यदि तू स्वयं हमारे साथ नहीं चलता तो अच्छा हो कि हमें यहां से आगे जाने की आज्ञा ना दे। यदि तू हमारे साथ नहीं चलेगा, हमको आगे जाने नहीं देना, एक कदम भी आगे जाने नहीं देना। प्रियजनों, कुछ फैसला लेने के पहले, कहीं सफर शुरू करने के पहले, कुछ शायद बिजनेस शुरू कर रहे हो या शादी करने जा रहे हैं या किसी भी कार्य आपको शुरू करना, उसके पहले यह वचन दावा कीजिए। 33:15 निर्गमन ग्रंथ, यदि प्रभु तू स्वयं हमारे साथ नहीं चलता, हमको यहां से जाने नहीं देना, हमको आगे बढ़ने नहीं देना, इस कार्य में आगे जाने नहीं देना। बहुत सुंदर प्रार्थना है ना, हल्लेलुया। और अगली प्रार्थना वो वचन 18, मूसा ने निवेदन किया, मुझे अपनी महिमा दिखाने की कृपा कर, प्रभु अपनी महिमा प्रकट कीजिए, लॉर्ड शो मी योर ग्लोरी। ये प्रार्थना बहुत सुंदर प्रार्थना है, मैं कई लोगों को इसको सिखाता हूँ, विशेषकर हम अभी मणिपुर में डिवाइन ग्लोरी मिनिस्ट्री प्रभु ने शुरू किया है, डिवाइन ग्लोरी ईश्वर की दिव्य महिमा है, इसलिए हम इस वचन को बराबर दावा करते, प्रभु अपनी महिमा दिखाने की कृपा कर। आपके हर कार्य में इसको मांगिए ना, पढ़ाई के लिए, परीक्षा के लिए जा रहे, प्रभु अपनी महिमा दिखाने की कृपा कर। कहां पर है अध्याय 33:18 सीखिए, अध्याय 33 निर्गमन ग्रंथ वचन 18, प्रभु अपनी महिमा दिखाने की कृपा कर, प्रभु जरूर अपनी महिमा दिखाएगा। और मूसा को प्रभु अपनी महिमा दिखाया। प्रियजनों, प्रभु ने कहा, तुम मेरा मुख नहीं देख सकते, क्योंकि यदि कोई मनुष्य मुझे देख लेगा तो जीवित नहीं रह सकेगा। इसलिए प्रभु कहता है, जब मैं अपना हाथ हटा लूंगा तुम मुझे पीछे से देख सकोगे, लेकिन मेरा मुख कोई भी नहीं देख सकता। संत अगस्तीन बताते हैं कि इस तरह प्रभु अपना पीछा भाग तुम मेरे पीछे से देख सकोगे, और मूसा को दिखाया। वो प्रभु ईसा मसीहा के आगमन के यीशु में अपने को प्रकट करने की जो कार्य है, उसका उसकी छाया मात्र है, उसका प्रतीक है। हल्लेलुया। यदि तुम मेरा चेहरा देखोगे तुम जीवित नहीं रहोगे, इसके लिए व्याख्या संत अगस्तीन इस प्रकार देते हैं। प्रियजनों, ईश्वर की महिमान्वित चेहरे को हम देखने से हम मर जाते, फिर भी मूसा की प्रार्थना के कारण प्रभु अपने को प्रकट कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए प्रभु ने क्या किया? फिलिपियों के अध्याय 2:6 से वो वास्तव में ईश्वर थे, उनको पूरा अधिकार था कि वो ईश्वर की बराबरी करे महिमा में, फिर भी उन्होंने हमारे लिए दास का रूप धारण कर मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बनाया। उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद नीचे आया, हमको अपने को हम पर प्रकट किया, हम उसको देख पाया। इसलिए संत अगस्तीन आगे कहते हैं, जब प्रभु कहते हैं तुम मुझे पीछे से देख सकोगे, मेरा मुख कोई भी नहीं देख सकता, प्रभु ईसा मसीहा में जो पीछे अपने को प्रकट किया, उस समय नहीं पीछे बाद में अपने को प्रकट किया, उसमें यानी पीछे से प्रभु को देख रहे हैं। मूसा फिर जब देखेंगे पीछे से प्रभु को देखेगा। हल्लेलुया प्रियजनों, लेकिन हम उनको आगे से उनके चेहरे पे देख सकते हैं, कारण पाप के लिए मृत्यु होकर हम लोग अभी धार्मिकता के लिए जिएंगे। जो भी ईसा मसीहा के साथ संयुक्त होते हैं वो अपने को
वो बुरे विचार अपने शरीर को उनके कुकर्मों के साथ सूली पर चढ़ाते हैं। इसलिए हम पाप के लिए मृत हैं, हम इस दुनिया के लिए हम मरे हुए हैं, इसलिए हम उसकी चेहरा फिर से देख सकते हैं। अब हमको समझ में आते हैं, प्रभु ने कहा धन्य है जिनका हृदय निर्मल है, वो प्रभु का दर्शन करेगा। इसलिए हृदय को निर्मल बनाने के लिए, पाप के लिए मृत होने की जरूरत है। अपने विचारों, अपने विकारों को, अपने वासनाओं को सूली पे चढ़ाने की जरूरत है, मरने की जरूरत है, तब हम उसकी चेहरा देखेंगे। यीशु मसीह के द्वारा ये कृपा मूसा की प्रार्थना के उत्तर के रूप में हम सभी लोगों को मिले। 34वां अध्याय के वचन 1, प्रभु ने मूसा से कहा, तुम पहले की पाटियों के समान ही अपने लिए 2 पत्थर की पाटियां बनाओ। मैं उन पाटियों पर वे बातें लिखूंगा जो उन पहली पाटियों पर थी, जिनके तूने टुकड़े कर डाले थे। इसकी व्याख्या देते हुए संत जरोम सिखाते हैं, पहले पाटियों को तोड़ दिए जाने के बाद नए पाटियां जो मिलते हैं, इसका प्रतीक है बपतिस्मा संस्कार के बाद फिर से पाप क्षमा पाने के लिए। यदि फिर से आप पाप करते हैं तो उनके पापों की क्षमा पाने के लिए आपको अन्य एक संस्कार दिया जाता है, वो है प्रायश्चित संस्कार, पाप स्वीकार संस्कार, द सैक्रमेंट ऑफ रिकंसीलिएशन, उसका प्रतीक है। इसलिए आगे हम देखते हैं, ये पाप क्षमा पाने के लिए मूसा को, 28वां वचन, मूसा वहां 40 दिन 40 रात प्रभु के साथ रहा, उसने ना तो रोटी खाई ना पानी पिया, उसने विधान के शब्द अर्थात 10 नियम पाटियों पर अंकित किए उसके बाद। इसलिए 40 दिन तक उनको उपवास करना पड़ा। इसलिए प्रियजनों, अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने की विधि जो प्रभु हमको सिखाए हैं, और 40 संत अगस्तिन बताते हैं, हम लोग जो 40 का उपवास सब कर रहे हैं, वो ये पुराने विधान के मूसा के 40 दिन के, और बाद में एलाइजा जो है, एलिया जो नबी है, उसने जो 40 दिन के उपवास किया, ये दोनों को मिला के प्रभु ईसा मसीहा भी 40 दिन उपवास किया, और ये मूसा और एलाइजा एलिया जो है, ये दोनों के साथ यीशु रूपांतरीकरण के समय में प्रकट हुआ था। इसलिए पुराने विधान और नए विधान को प्रभु जोड़ रहे हैं, और ये दोनों जुड़ी हुई बात है, ये दोनों अलग नहीं है, इस बात को भी प्रभु समझाते हैं। इसलिए अपने पापों के लिए पछतावा और उपवास की जरूरत भी प्रभु हमको सिखा रहे हैं। अय्यूब के पुस्तक के आखिरी अध्याय में हम पहुंचे। भले ही मैंने पहले कहा था अय्यूब के पुस्तक के बारे में व्याख्या दूंगा, आज हम इंग्लिश में व्याख्या डाले, थोड़ा सा लंबा है, हिंदी में क्यों नहीं डाला, क्यों नहीं बनाया, इसलिए है कि आप में कई लोगों में उत्साह नहीं है। मैं इन दिनों में, क्योंकि यूट्यूब में कितने लोग देख रहे हैं करके हम देख सकते हैं, केवल 200 लोगों से ज्यादा कोई नहीं देख रहे, पहले ज्यादा लोग देखते थे, तो इसका मतलब समझ में आया कि व्याख्या देखने के लिए आपके पास समय नहीं, थोड़ा सा लंबा है, होने से बिल्कुल नहीं देखेगा, इसलिए उत्साह नहीं है तो देता नहीं इसलिए सोचा है, लेकिन इंग्लिश में हम दे रहे हैं, ज्यादा लोग देख रहे हैं, इसलिए आपके अंदर अगर हम आने वाले दिनों में उत्साह देखता है तो इसको सब इंग्लिश हिंदी में भी डालेंगे। लेकिन पूरे पुस्तक को संक्षिप्त में ये संदेश दे रहे हैं, अय्यूब को उनके जीवन में सहन तकलीफ प्रभु क्यों आने दिया था। 5वां वचन, मैंने दूसरों से तेरी चर्चा सुनी थी पहले, अब मैंने तुझे अपनी आंखों से देखा, मैं अभी तुझे अपनी आंखों से देख रहा हूं, पहले मैंने कभी चर्चा सुनी थी। मतलब अय्यूब वो धर्मी था, लेकिन अपनी धार्मिकता के कारण उसने ईश्वर के बारे में सुना था, मतलब उनकी धार्मिकता उनको प्रभु के बारे में जानने के लिए दिया, लेकिन सहन दुख संकट से होकर जब निकल रहा है उनकी आंखें खुल गया, और वो कहता है मैं अभी अपनी आंखों के सामने देखता हूं। देखिए धार्मिकता, उनकी पवित्रता उनको प्रभु के बारे में जानने के लिए दिया था, लेकिन उनका सहन, उनका दुख तकलीफ उनके सामने प्रभु को देखने के लिए आंखें खोल दिया, अब प्रभु के चेहरे को देख रहा है। प्रियजनों,
जिन्होंने जिनको मुझे देखना है उनको मरना पड़ेगा, प्रभु जो बोला है, समझ में आए? अपने लिए, खुद के लिए मरा, अपने घमंड के लिए मरा, और दुख तकलीफों के द्वारा वो मृत्यु का अनुभव अपने जीवन में किया, उनकी आंखें खुल गया, वो प्रभु को देख पाया। दुख तकलीफ हमें प्रभु को देखने के लिए कृपा दिलाती है। अब हम अय्यूब के अध्याय 36 वचन 15 फिर से याद करते हैं। दुख द्वारा वो दुखियों का उद्धार करता, विपत्ति द्वारा उन्हें शिक्षा देता है। इंग्लिश में ऐसा है, थ्रू देयर सफरिंग ही ओपन्स देयर आइस, आंखें खोल देता है, ये कृपा मिली। और एक और वचन हम पढ़ते हैं, 10वां वचन, जब अय्यूब अपने मित्रों के साथ प्रार्थना कर चुका तो प्रभु ने उसे फिर संपन्न बनाया। पहले अय्यूब की जितनी संपत्ति थी उसकी दुगुनी कर दी। हिंदी में ये ट्रांसलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इंग्लिश में ऐसा है, व्हेन जॉब हार्ड, व्हेन आफ्टर जॉब हार्ड प्रेड फॉर हिज फ्रेंड्स लॉर्ड मेड हिम प्रॉस्परस अगेन। जब अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया, दोस्तों के लिए प्रार्थना किया, तब प्रभु ने दोगुना आशीर्वाद। ये कौन से दोस्त है जिन्होंने सांत्वना देने के नाम पे आए लेकिन सांत्वना के बदले तकलीफ बढ़ाया था, दोष लगाया था, तुम पापी हो बोला था। और उन लोगों के लिए जब अय्यूब ने प्रार्थना की जिन्होंने उनको दुख बढ़ाया उनके जीवन का, उनके लिए प्रार्थना किया, तब प्रभु ने जो कुछ नष्ट हो गया सब लौटा दिया। आपके जीवन में जो कुछ नष्ट होता है, जो तकलीफ के कारण आपको जो भी नुकसान हुआ है, वो सब वापस पाने के लिए रास्ता क्या है? जिनके द्वारा आपको तकलीफ मिलता है, जो आपके तकलीफ को बढ़ाते हैं, जो आपके दुख को बढ़ाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करना। दूसरों के लिए जब हम प्रार्थना शुरू करेंगे, विशेषकर प्रभु ने कहा शत्रुओं के लिए, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना, उनके लिए जब प्रार्थना शुरू करते हैं, जो कुछ हमें नष्ट हो जाते हैं वो सब वापस आ जाते हैं, लौट के आ जाते हैं। हल्लेलुया। आज के लिए हम अंतिम संदेश के रूप में मार्कुस के 14वां अध्याय, मार्कुस के 14वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि इसमें जो हो रही है वो पुराने विधान और नए विधान दोनों को जोड़ने की कड़ी है। ये जो रात जो इस अध्याय में लिखी हुई है, ये रात बहुत ही महत्वपूर्ण रात है। समझने के लिए चलिए 12वां वचन, अध्याय 14 मार्कुस, बेखमीर रोटी के पहले दिन जब पास्का के मेमने की बलि चढ़ाई जाती है। देखिए, बेखमीर रोटी पहले महीने के 14वां दिन है। इसराइलियों को प्रभु ने मिस्र की गुलामी से निकाले थे, उस रात मेमने की बलि चढ़ाए थे। अब पुराने विधान की वो बलिदान पूरा, नए विधान में आने वाली एकमात्र बलिदान जो है ईसा मसीहा की बलिदान की सूचना मात्र है, प्रतीक मात्र है, छाया मात्र है। अब पास्का का बलित मेमना, ईश्वर का बलित मेमना तैयार है, बलि अपने को चढ़ाने के लिए और मारे जाने के लिए तैयार है। उस समय प्रभु ने दो शिष्यों को एक कहला भेजा, शहर जाओ, तुम्हें पानी का घड़ा लिए एक पुरुष मिलेगा, उसके पीछे पीछे चलो। जिस घर में वो प्रवेश करे उस घर के स्वामी से कहो, गुरुवर कहते हैं मेरे लिए अतिथिशाला कहाँ है जहां मैं अपने शिष्यों के साथ पास्का का भोजन करूं। वो तुम्हें ऊपर एक सजा सजाया हुआ बड़ा कमरा दिखा देगा, वही हम लोगों के लिए तैयार करो। सब कुछ तैयार है, जाना। शहर में एक आदमी मिलेगा घड़ा पानी लिए, वो बाई चांस में नहीं है, आपको रास्ता दिखाने के लिए सब कुछ तैयार है। प्रियजनों, काफी सदियों से इसकी तैयारी पिता करते आ रहे हैं। पुत्र की बलिदान के लिए पिता की तैयारी है, और यहां पर जो तैयारी देख रहे हो सब पुराने, इतने सालों से पिता जो तैयारी कर रहे हैं उसका संदेश दिलाते हैं। और वहां पर जाना और हम लोग एक साथ पास्का का भोज करेंगे। अब हम पास्का भोज कर रहे हैं प्रियजनों, उसके तुरंत बाद प्रभु जो निकल रहे हैं वो कहाँ को है, गतसमनी में है, और उसके तुरंत बाद वहां से प्रभु की गिरफ्तारी होगी और महासभा के सामने रखा जाएगा।
इस रात प्रभु सोएंगे नहीं। मृत्यु के पहले की रात है, ये रात प्रभु जागरण करेगा, ये रात प्रभु को सोने नहीं देगा। हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग वहां पर उनके चेहरे पे थूकने लगे, वचन 65, उनकी आंखों पे पट्टी बांध कर कहते हुए ये घूसे मारने लगे, यदि तू नबी है तो बता दे तुझे किसने मारा। नौकर भी उन्हें थप्पड़ मारते थे। इस रात प्रभु सोया नहीं है। कारण क्या है? कारण निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 12 वचन 42, प्रभु उस रात जागरण करता रहा जिससे वह इसराइलियों को मिस्र से बाहर ले जाए। प्रभु उस रात जागरण करता रहा जिससे वह इसराइलियों को मिस्र से बाहर ले जाए। इसलिए समस्त इसराइली पीढ़ी दर पीढ़ी उसी रात को प्रभु के आदर में जागरण करते हैं। प्रियजनों, ये सब कथा नहीं है, कहानी नहीं है, ये बाई चांस हुई बात नहीं है। सदियों से पिता की तैयारी है। क्या है ये? हमारे प्रति उसका प्यार है, हमको बचाने के लिए। पुराने विधान में केवल गुलामी के देश से बाहर निकाले, लेकिन अब पाप की गुलामी से, मृत्यु की गुलामी से हमेशा के लिए हमको छुड़ाने के लिए पिता अपने पुत्र को भेज रहे हैं। और उसी रात वो जागरण किया, इसको पास का जागरण कहता है, जागरण किया और बलिदान अपने को चढ़ाया अगला दिन, जिससे हम हमेशा के लिए बच गए। प्रियजनों, प्रभु के प्यार पूरे बाइबल पे कूट कूट के भरा है, हर एक शब्द में प्यार है। जितना ज्यादा इस वचन को दिल में रखेंगे उतना हम प्यार से भर जाएंगे, हमारी आंखें खुल जाएंगे, हम प्रभु को देखेंगे, हमारा जीवन बदलेंगे, जीवन की समस्याओं में अन्य किसी की जरूरत नहीं होगी। ये वचन हमें संभालेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह कृपा ईश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा का सहज आप सभी लोगों के साथ बनी रहे अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।